अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज। आज हमारी मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी के रामपुर मनियारान विधानसभा से जो विधायक हैं माननीय देवेंद्र नीम जी से। ये रामपुर मनियारान विधानसभा 6 सहारनपुर में पड़ती है। और बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश में भी देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है कानून व्यवस्था पर। विधायक जी, आप बताएंगे कि आपका संबंध खासकर उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के आप सदस्य हैं, कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भ्रष्ट होती जा रही है दिन पर दिन, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ तो हमारी सरकारी जो है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बनाई हमारी जनता ने। आज हमारी कानून व्यवस्था का इतना बड़ा बढ़िया सिस्टम है कि हमारे गाँव में रहने वाले जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं या शहर में रहने वाले हमारे सभी नागरिक लोग हैं, उनको जो है इतनी बढ़िया सुरक्षा का एहसास है कि वो कहीं भी रात में कहीं गांव में जा सकते हैं, या जिनको गांव से शहर में आना है, सहारनपुर आना है, वो आराम से किसी भी समय बेधड़क होकर सहारनपुर आ सकते हैं। और हमारी बहन बेटी कितनी ज़्यादा सुरक्षित हैं ये आप लोग सब लोग जानते हैं कि दिन में ही हमारी बहन बेटियों के जो है कान से कुंडल नोच लिए जाते थे, पर्स लेके भाग जाते थे बदमाश, या उनके जो है मोबाइल लेकर छीन के भाग जाते थे। लेकिन आज हमारी सरकार है, ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और दिन में ही बड़े बड़े शोरूम लूटने का जो पहले की सरकारों में काम होता था, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी भी हमारे किसी व्यापारी को तंग करने की हिम्मत करे। विधायक जी, आपने कहा है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है उत्तर प्रदेश में और महिलाएं सुरक्षित हैं। हाथरस, आजमगढ़, बलरामपुर, अनेक उत्तर प्रदेश की बलात्कार की घटना ये साबित कर रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिला कितनी सुरक्षित है। ये मामला जो है आपको भी पता है, ये मीडिया के बनाया हुआ मामला है। इसमें हमारी सरकार ने तीव्रता से कार्रवाई करी, हमारे यहाँ पर सारे जो एसपी लेवल के अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया। और मीडिया को तो हाथरस में पहुँचने तक नहीं दे रही आपकी नहीं, सरकार की पुलिस, सारी मीडिया वहीं पर थी। और सारा का सारा जो आज देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मीडिया को, विधायक जी संवैधानिक ताकत जो मिली हुई है उसके जरिए पहुंची, नहीं तो पुलिस ने हर संभव कोशिश की है नहीं नहीं वहां जाने से मीडिया को रोकने। मीडिया का पूरा कवरेज आप लोगों ने देखा, मीडिया ने सारा दिखाया वहां पर, तो कहां से उनको जाने से रोका। एबीपी न्यूज की आपने रिपोर्ट नहीं देखी क्या? नहीं, एबीपी न्यूज वाले भी वहां पहुंचे, जंगलों में को जाना पड़ा है उनको, नहीं नहीं तब चोर रास्ता बताया गया है पुलिस, कोई नहीं, सबको आराम से जाने दिया गया और वो सारी कवरेज उन्होंने वहीं से लाइव करी। और विधायक जी, आपने बात की है लूट खसोट की, क्या अब कम है? रोजाना मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रोजाना लूट की घटनाएं हो रही हैं। आप देखेंगे पहले की सरकारों की और हमारी सरकारों की आप तुलना करेंगे तो हमारी सरकार में कानून व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर हुई है, लेकिन कुछ लोग आज भी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे जघन्य अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारी सरकार की जो बढ़िया छवि है, एक कानून व्यवस्था सख्त छवि है, उसके लिए सरकार ने बहुत व्यापक कदम उठाए। जैसे अभी हमने अपनी माताओं बहनों के लिए सुरक्षा के लिए उनके लिए अलग से थाने खोलने के लिए, उनके अलग से महिला हेल्प डेस्क बनाने के लिए अभी हम सभी ने उनका शुभारंभ किया। तो एक संदेश दिया जा रहा है कि अगर कोई भी उपलब्धि हमारी बहन बेटियों की तरफ आग भी उठाएगा तो उसकी जो है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करने जा रही है। आपकी केंद्र सरकार ने कृषि बिल पास किया है, किसानों का मानना यह है कि ये हमारे खिलाफ है, हमारी ज़मीन को गिरवी रखा जा रहा है, और जगह जगह देश भर में किसान इस कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या वाकई आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के घुटने तोड़ने पर लगी हुई है? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने सभी देश के किसानों को बताना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी सरकार का, अपनी सरकार का, कि उन्होंने एक ऐतिहासिक 3 बिल लेकर आए जो किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान को सुरक्षा कवच देंगे और उनको पूरी छूट देंगे। और हमारी सरकार एक देश एक मंडी लेकर आई जिसमें हमारा किसान अगर चाहेगा तो उसको अगर अच्छे दाम कहीं पूरे भारत में मिलते हों तो उसको जाकर उसमें अपनी फसल को बेच सकता है। लेकिन कुछ लोग पंजाब में व्यापारी जो लोग हैं उनको जो है उनकी तरफ से फंडिंग की जा रही है किसानों को कि भाई आप इस पर विरोध करो, इसमें सारा का सारा हित जो है किसान भाइयों का है। और रही बात हमारे किसान के गिरवी रखने की, मैं पूरी ईमानदारी से और विश्वास से कहता हूँ इस बिल को आप पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी हमारे किसान भाइयों का, हमारे अन्नदाताओं का कहीं भी हमने
उनकी ज़मीन से कोई भी ना तो उसमें करार का कोई इसमें उनके साथ कोई करार ज़मीन का हो रहा है, ये सिर्फ सिर्फ अगर करार हो रहा है तो उनकी जो फसल है उनकी जो फसल का उपयोग जो है अच्छी उनको दाम मिले, मंडी में जाएं तो उसको उनको अच्छा दाम मिले, सिर्फ करार वहाँ तक है। और इसमें पूरी तरह से हमारे किसान भाइयों का हित सुरक्षित है। हमारी सरकार किसानों के लिए एक बहुत ही सुंदर और मजबूत उनको आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बिल लेकर आई है, मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और देश और प्रदेश के अंदर रोजगार की जो कंडीशन है, आज हर व्यक्ति रोजगार के लिए तरस रहा है, इसके बारे में सरकार कुछ सोच ही नहीं रही, अपना वो वादा भी भूल गई जो किया था कि साल भर में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। हमारी सरकार जब से आई आपने देखा होगा निष्पक्ष रूप से हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से हमने जितनी भी चाहे वो पुलिस भर्ती हो चाहे अन्य हमारे सैनिकों की भर्ती हो, जहाँ पर भी आपने देखा होगा जो भर्ती प्रक्रिया थी, अभी हमारे जो अध्यापकों की भर्ती हुई, सब जगह ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी से हमारी सरकार काम कर रही है और लगातार हमारे युवाओं को विकास देने के लिए लगातार हमारी योजनाएं और हमारी सरकार लगातार उनके लिए नौकरी लेकर आ रही है। और आप देखेंगे अभी आने वाले 2-3 महीनों में बहुत व्यापक रूप पर, क्योंकि अभी पिछले साल अभी 7 महीने से कोरोना था, इस वजह से सारे जो हमारी सरकार की उपलब्धियाँ थी, जो हमारी सरकार की जो नौकरी देने का एक सिस्टम बन रहा था, वो सारा का सारा ठहर सा गया था। लेकिन अब आपने देखा होगा लगातार हम लोग अपने जो हमारे अध्यापक अभी जिनको वो नौकरी मिली उनको हमने सबने सर्टिफिकेट देने का काम किया और लगातार इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। विधायक जी जानना चाहेंगे 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और जिसमें देश की जनता से बहुत अहम वादा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि केंद्र में आती है तो हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए होंगे, कहाँ है वो वादा? ऐसा है कि ये जो 15 लाख रुपए की बात है ये हमारी सरकार ने जनधन खाते खोले थे। जनधन खाते खोलने का मकसद ये था कि जिनके खाते हमारे हिंदुस्तान में बहुत व्यापक रूप में हमारी सरकार हमारे यहाँ पर लोगों के खाते नहीं थे, उनको जो है बैंक के मैनेजर या बैंक का स्टाफ धक्का दे के या धमका के भगा देता था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार का कि उन्होंने घर घर जाकर जनधन खाते खोले, जीरो बैलेंस पे उनके खाते खोले गए। और आज जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे पेंशन संबंधित हो, चाहे हमारे कोरोना कालखंड में हमारी सरकार के द्वारा उनको डायरेक्ट पैसों 1000 रुपये 1500 रुपये 500 रुपये की जो हमारी सरकार ने मदद दी, विकलांग दिव्यांगजनों को हमने उनको उससे जोड़ा, तो जितनी भी सब्सिडी की हमारी योजना है जो सरकार जो खाते में आनी चाहिए थी उसके माध्यम से उनके खाते में जा रही है। बिचौलियागिरी दल्लागिरी जो थी होती थी जिससे हमारे लोगों को जो सीधा पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था, ये जो जनधन खाते खुले गए और जो ये खातों के माध्यम से अब उनको सीधा पैसा जा रहा है और उनको जो है उसका लाभ मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमने आपको दिखाया ये थे सहारनपुर की रामपुर मनियारान विधानसभा 6 से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र नीम। मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक, मुख्य संपादक सुनो जनता की आवाज़ न्यूज़ सहारनपुर।